नमस्कार मित्रों, ये धर्म कथाएं और पराशर ज्योतिष संस्थान की ओर से बबन कुमार सिंह नमस्कार करता है आपको। और आज हम आपको शनि जो है मकर राशि में गोचर कर रहे हैं 24 तारीख के सुबह से। तो शनि के आने से जो लोग पीड़ित होंगे उनके से संबंधित कुछ हम उपाय शनि महाराज के कुछ आपको उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को आप करेंगे तो शनि महाराज, खासकर जो लोग साढ़े साथी और ढैया से गुजर रहे हैं, उनको पीड़ाएं कम होंगी। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है शनि के उपाय में, हम सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे कि शनि जो है आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं, आम आदमी को, वंचित लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप आम लोगों के साथ, साधारण लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, भंगियों के साथ यदि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है तो आपके साथ कोई बुरा नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने से जूनियर के साथ, साधारण लोगों के साथ, तो निश्चित रूप से शनि महाराज आपको कोई पीड़ा नहीं देंगे या पीड़ा आपकी कम हो जाएगी। तो पहली चीज आप ध्यान रखें, अपने से जूनियर लोगों के साथ, साधारण लोगों को, जिसको आप हे दृष्टि से देखते हैं उनको हे दृष्टि से नहीं देखें, आप उनको बराबरी का मान दे, निश्चित रूप से शनि आपको भला करेंगे आपका, पहली चीज। दूसरी चीज है, इसके बावजूद यदि शनि से आप पीड़ित हो रहे हैं तो दूसरा उपाय आप करें कि शनि महाराज के उपाय के रूप में आप शनि देव को शनिवार को पीपल में उनको जल दे सकते हैं सुबह में, और शाम में पीपल के या बरगद के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाएं। ये दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि शनिवार को जो वंचित लोग हैं उनको आप चमड़े की चीज, लोहे की चीज का यदि दान करते हैं तो इससे शनि महाराज आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। चौथी चीज मैं कहूंगा कि शनि के लिए के उपाय के रूप में आप जो है दशरथ कृत जो है शनि स्त्रोत्र है उसका आप पाठ करें ताकि शनि का कहर आप पर कम से कम होगा। पांचवी चीज मैं कहूंगा कि यदि शनि महाराज के बारे में कहते हैं कि हनुमान जी की यदि आप आराधना करते हैं तो शनि महाराज का कष्ट कम होता है, तो आप हनुमान जी को उनके हनुमान चालीसा का पाठ करें उनको शनि महाराज के दिक्कतों से बचने के लिए, या आप रामचरितमानस का जो है सुंदर कांड का पाठ करें, 42 मिनट का पाठ होता है, इस पाठ करने से भी प्रतिदिन कर सकते हैं तो अच्छी चीज है, नहीं तो मंगलवार और शनिवार को जरूर करें, इसके करने के बाद आप खाना खाएं। इसके अलावा जो एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा शनि के उपाय के रूप में, शनि नियमितता के बहुत बड़े वो है, वो देखिए सूर्य के पुत्र कहे गए हैं और सूर्य जैसे चाहते हैं जो प्रतिदिन सुबह उगते हैं और शाम में ढलते हैं, उसी तरह से शनि महाराज भी चाहते हैं कि आप नियमित हो। जो लोग अपने जीवन में दिनचर्या नियमित रखता है, सुबह या शाम जो भी अपना जो उनका कार्यक्रम है उसका एक निश्चित समय पर करते हैं, उन लोगों को शनि महाराज का कहर सबसे कम भोगना पड़ता है। तो आप अपने जीवन में नियमितता लाएं और जो भी समाज की वंचित चीजें हैं, शराब, परिस्त्री के साथ संबंध, या कोई भी गलत काम करना, सरकार का टैक्स बचाना, इन सब चीजों से यदि आप बचते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ये मकर में जो शनि गोचर कर रहे हैं ये फायदेमंद है। तो मित्रों, ये कुछ उपाय थे जिसको आप करके मकर में शनि के कहर से बच सकते हैं। शुक्रिया मित्रों।